तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तब अपनी तीन बातें उसके सामने रखते हैं। आप फरमाते हैं तो ठीक है, ये पहली मेरी पेशकश ये है कि मैं जहां से आया हूं वहां मुझे जाने दे, या तो मैं जहां से आया वहां नहीं जाऊंगा, किसी और तरफ जाऊंगा, क्योंकि उन्हें खतरा था। आप कहां से आए थे? मदीना और मक्का की तरफ से आए थे। इन लोगों को ये खौफ था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलट कर अगर फिर दोबारा मक्का और मदीना की तरफ चले गए तो फिर वहां के लोगों ने इनकी बैत कर ली तो हमारा क्या बनेगा, ये इन्हें डर था। इस वास्ते इमाम अली का फरमाते हैं कि मैं जहां से आया हूं वहां मुझे जाने आप लोग नहीं देते, तो एक काम करो, मैं किसी और तरफ, किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाऊंगा, या मुझे तन्हा अकेले यजीद के पास जाने दो। आपने ये भी फरमाया, ये भी रिवायत में आया कि तीन पेशकशें आपने पेश की। इसके अलावा ये कौल ये भी है कि आपने फरमाया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे, अगर तुम्हें डर है कि मैं अरब के किसी मुल्क में जाकर मक्का या मदीने की तरफ जाकर लश्कर जमा करूंगा, या दूसरे इस्लामी ममालिक या दूसरे अरब ममालिक में जाकर अपना एक लश्कर एक फौज तैयार करूंगा, अगर तुम्हें इस तरह का खौफ है तो आपने फरमाया था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। क्या क्या फरमाते? उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को याद करे थे। क्या फरमाते आप? मुझे तुम हिंद की तरफ जाने दो। उसका सबब रिवायतों में आया है, ये सूफिया इकराम ने, औलिया इकराम ने, और ये रिवायत जुमला आपका रिवायत करने वालों ने लिखा है कि आपने ये इसलिए कहा था कि आपकी जो जौजा मुतहरा थी शहर बानो रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये शाह ईरान की यजदजुर्द की बेटी थी, और शाह ईरान यजदजुर्द के दूसरे और दो बेटियां यानी हजरत शहर बानो के बहने, दो बहने उस वक्त राजा अशोक का जो है खानदान था उसके खानदान में ब्याह होके आई थी, उसमें उस वक्त ब्याह होके आए थे, कुछ ना कुछ उनके उधर से इधर रिश्तेदारी थी, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इससे गरज नहीं। आपने इस वास्ते कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे कि मुझे हिंद की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आती है। आकल इस्लाम की हदीस मुबारक है, आप क्या फरमाते थे? मुझे हिंद से मोहब्बत की खुशबू आती है। इस वास्ते आपने हिंद को याद किया था, आपने हिंद की तरफ जाने का भी सोचा। ये आपके कौल का नतीजा है कि हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहने वाले हैं और उनका मुहर्रम मनाने वाले हैं। उस वक्त अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर आ जाते तो यहाँ के कई हिंदू पंडित लोग उनकी कदमबोसी करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलम की कदर मुसलमानों को नहीं मगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को उतनी है, मुसलमानों से ज्यादा गैर मजहब के लोग उस अलम को, सिर्फ इमाम हुसैन के अलम की इतना अदब और ताजिम करते हैं कि नहीं? बेशक। अगर उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आ जाते तो सारा हिंदुस्तान अरब में तब्दील हो गया होता, मगर अल्लाह तआला की मर्जी नहीं थी, मशीयत इलाही कुछ और थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम